क्योंकि तेरी नस्ले बाग में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बाग में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा हर घराना नूर का। शेर सुनिएगा हुजूर, जितने आशिक रसूल बैठे हुए हैं और आपके तमाम पीछे जो बैठे हुए हैं, या रसूल अल्लाह सल्ले अला सल्ले जो बहुत जरूरी बात है वो ये है इमाम साहब कि इस कलाम को लिखने वाले मेरे उस्ताद अली जनाब आसिफ अकाशी चचा हैं, जो पीछे तबले पे बैठे हुए हैं। जरा जोरदार, मैं जो कुछ भी हूँ जहां तक भी हूँ आज इन्हीं की बदौलत हो, इन्हीं की दुआ है मेरे ऊपर। क्या करें, शेर से लेकिन रहेगी वो नाते पाकी इंशाल्लाह। हजरत हर बच्चा है नूर का, जिनका हर बच्चा है नूर का, वो हसन भाई तो नवाजी रहे लेकिन उधर से पतवार साहब भी नवाजते चले आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है ये आस्थाना। शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। पतवार साहब, हमारे नबी पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो रहमत लिल आलमीन बनकर आए, यानी सारे जहान पे रहमत बनकर आए। एक हिंदू शायर है
इमाम साहब पंडित कालिका प्रसाद कलकत्ता से, वो नबी पाक की मोहब्बत में फरमाते हैं कि मशरिक से हो मगरिब तलक करतर हमो दीनार, मशरिक से हो मगरिब तलक यानी दुनिया के एक कोने से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक पैसा ही पैसा हो, माल ही माल हो, मशरिक से हो मगरिब तलक करतर हमो दीनार लेकर के जमी ताबा फलक माल का अंबार, यानी जमी से लेके आसमान तक माल ही माल हो, मशरिक से हो मगरिब तलक करतर हमो दीनार लेकर के जमी ताबा फलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने तारस बने कोहसार, एक संत खड़े हो जो मेरे सैयदे अबरार, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, अरे ना लेने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। यानी अगर पूरी पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ हो और सरकार के कदमों की जूती एक तरफ हो, तो पंडित कालिका प्रसाद फरमाते हैं कि मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मार के सरकार के कदमों की जूती को अपने सर पे उठा लूंगा। ये एक हिंदू भाई का अकीदा है सरकारे दो आलम से। जरा बोलो हाथ उठा दे जो हसन हुसैन को मानने वाले बैठे हैं, जिसको अल्लाह ने एक दिया एक उठा, इसको दोनों दिए हैं दो। शेर सुनिएगा उसको। हाँ भाई, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है। दीने अहमद की देखो, दीने अहमद की देखो, बता के दिए
वही पहलवान साहब ने सौ रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीने हिम्मत की देखो वो जो कल चश्मा टोपी लगा के वहां खड़े बैठकर तवज्जो दीजिएगा।